وأحسن منك لم ترقط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. किताब बरकत वाली है जिसे हमने आपकी तरफ नाजिल फरमाया है ताकि दानशमंद लोग इसकी आयतों में गौर वफ़िक्र करें और नसीहत हासिल करेंतरत साम और नाजर ना करामक वरम वक् स्वामी नितराम सूर्य गाशिया आयत नंबर 21 से 26. आज का मौजू क्या हमने अल्लाह ताला को अपना मकसद हयात बना लिया है इसके साथ आज के सबक का आगाज करते हैं सबसे पहले गुजशत सबक का होगा शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान रहम वाला है और बहुत से मुंह वाले उस रोज शादमा होंगे अपने अमाल की जजा से खुश दिल फी बहिश्ते बरी में वहाँ किसी तरह की बकवास नहीं सुनेंगे उसमें चश्मे बह रहे होंगे वहां तख्त होंगे ऊंचे बिछे हुए और आब खोरे करीने से रखे हुए, और, गतार की गतार लगे हुए और नफीस मसनदे बिछी हुई अफलायर इबिली कई ये लोग ऊँटों की तरफ नहीं देखते कैसे अजीब पैदा किए गए हैं है। किस तरह खड़े किए गए हैं वो इलल कई फनसुफियात और जमीन की तरफ के किस तरह बिछाई गई غاشیہ सूर्य नंबर 21 لفظی तर्जुमा फज आप इन्हें नसीहत करें इमांतमज़क्र आप तो नसीहत करने वाले ही हैं इनको यानी आप फकत इनको नसीहत करने वाले हैं लस्ता बेमसतर आप इन पर जबर करने वाले नहीं हैं मन तवल्ला कफ़र अलबत्ता जो शख्स मुँह मोड़ लेगा और इनकार करेगा यानी जिसने मुंह फेरा और ना माना फ़ै अज़बाल्ल्ला आज़ाबल अकबर तो अल्लाह ताला उसे भारी सज़ा देगा इन्ना अले ना याब हम इन लोगों का पलटना हमारी ही तरफ है सुम इन्ना अल ना हिसाब हम फिर इनका हिसाब लेना हमारी ही जिम्मे है साबिन कराम गाशिया और इसकी तकरीबन आखिरी मजमून है और तमाम आज का सबक जो है तमाम जो सूरत है उसका ख़ुलासा बयान हो रहा है कि नबी का काम इसमें देखें मबाज क्या हैं आपको मबाज इसके बता दूं यानी इसमें क्या क्या मौजूद हैं या क्या क्या मज़ामीन हैं ये मैं पहले आपको बता दूं एक तो ये है कि नबी की नबी का दायरे कार जो नबी अल्लाह ताला की तरफ से रसालत के पैगाम लाए हैं या लोगों को अल्लाह की तरफ दावत देने थे दे, देने वाले हैं इनका दायरे कार कहाँ तक है ये बात एक ये इसमें मौजू है इसका और फिर जो लोग नबी की दावत को अपनी मर्जी से नहीं कबूल करेंगे उससे मुंह मोड़ लेंगे या इनकार कर देंगे कौलन या अमल तो उसका उनका अंजाम क्या होगा और उनके साथ क्या आ... यानी क्या उनके साथ सलूक होगा तो ये दो बुनियादी तौर पर इसमें मजामी हैं सामने क्रम तो पहली आयत फ आप इन्हें नसीहत कीजिए देखें एक बात नोट कर लें अल्लाह के इंसान को अल्लाह ताला ने जिस मक़सद के लिए पैदा फरमाया है उस मकसद को मानने के लिए इस पर कोई जबर नहीं रखा है अल्लाह ताला। यानी ये इसके अलावा भी कोई तरीका इख्तियार कर सकता है या अल्लाह ताला ने इंसान को जिस मकसद के लिए ज़िंदगी दी है ये सब कुछ अता फरमाया है ये अल्लाह ताला ने इसको इख्तियार दिया है कि तुम किसी और मकसद का भी इंतखाब कर सकते हो दिगर मखलूक के पास ये चॉइस नहीं है शहद की मक्की को शहद ही बनाना है और तमाम मखलूक़ जिस काम के लिए पैदा की गई हैं हर मखलूक़ कुलद आलम सला तस्बीहा हर मखलूक़ अपना मकसद हयात भी जानती है और उसको करने का तरीक़ा भी जानती है ये तो हम इंसान हैं जिसको अल्लाह ताला ने चॉइस दी है कि भई कुलक मब गफमन शाह अफल मिन फमन वमन शाह अफल यकफुर आप इनसे कह दीजिए कि हक तो रब की तरफ़ से है अब जिसका जी चाहे ईमान ले और जिसका जी चाहे इनकार कर दे लेकिन अगर इनकार करेगा देखें अब दो सूरतें हैं और यह भी मैं आपको अर्ज़ कर दूं कि ये मज़मून मेरे और आपके लिए है या तो हम दुनिया में आके होश संभाल के इंसान जब बाले हो जाता है तो अब इसके सामने दो राहें होशती हैं या तो ये अल्लाह को पुकारे अल्लाह की तरफ अपना रुख फेर ले या अल्लाह यानी अल्लाह की तरफ़ फेर ले या अल्लाह से रुख फेर के दुनिया की तरफ कर ले जिस शख़्स ने भी पैगंबर की दावत जो अल्लाह की तरफ़ है उसको कबूल ना किया तो उसका अंजाम तो अभी बताया जा रहा है लेकिन पैगंबर की दावत कबूल करने में इसका यानी इसके ऊपर कोई जबर नहीं है माँ अंत आल हिम बेमस्तर आप इन पर जबर करने वाले नहीं हो कि ज़बरदस्ती इन पर मनवाएँ ये बात ज़रा नोट कर लें देखिए मैं आपसे कह, यानी कहता भी रहता हूँ और फिर मैं मुख्तसर तौर पर आपको बता रहा हूँ कि इंसान का मकसद हयात जो है वो जाहिर नहीं है जो कुछ नज़र आ रहा है ये हमारा मकसूद नहीं है ये हमारी ज़रूरियात तो हो सकती हैं लेकिन ये मकसद नहीं है तो ज़रूरियात हमारी जो हैं वो तो उसको हासिल यानी हमें हासिल हैं और उसको हम हासिल कर सकते हैं लेकिन जो मकसद हयात है उसके बारे में हमें मालूम करना होगा ये मैं आपको बता दूँ क्योंकि इंसान यानी इसमें इतनी अक्ल नहीं है कि ये अपने मकसद हयात को पहचान ले खुद अपनी अक्ल से हाँ अक्ल इसकी इसकी रहनुमाई कर सकती है कि देखो ये आसमान और ज़मीन किसने पैदा किए तुम्हें किसने पैदा किए तुम्हें किस लिए पैदा किया गया है तुम उसके बारे में सोचो अल्लाह ताला की ये निशानियां हैं सारी ये एक लंबा मज़मून है मैं बयान कर भी चुका हूँ फिर भी आ जाएगा लेकिन आज जो है सिर्फ ये हम अपने आ, यानी जो सबक़ है हमारा फज़क्र आप इन्हें नसीहत किए जाए और आप तो एक नसीहत करने वाले ही हैं इन नमज़क्र यानी देखें नसीहत करना आम तौर पर ऐसा होता है कि औलाद जब जवान हो जाती है तो शरीयत में भी हमारा ये है कि औलाद को हम तरबियत देते हैं लेकिन जब वो जवान हो जाती है यानी बचपन में दस साल की उम्र में आप मार के भी नमाज पढ़ा सकते हैं थोड़ा सा जबर कर सकते हैं लेकिन जब इंसान होश हवास का मालिक हो जाता है अकिल बालिक व बाशूर हो जाता है तो फिर इस पर जबर नहीं है फिर वालदान के ज़िम्मे सिर्फ नसीहत करना बाक़ी रह जाता है और इन पर जब्र नहीं यानी जबर असल में दीन में नहीं है जबर तो वालदेन पर भी नहीं है और किसी भी दाई की दाई के ज़िम्मे भी जबर नहीं है यहाँ तक कि हज़ूर सल्लाम के ज़िम्मे भी जबर नहीं है और दीन में असल में कोई ज़ब्र नहीं है जब ज़ब्र नहीं है तो फिर हम तसाहपसंदी का शिकार हो जाते हैं मकसद तख्लीक़ के बारे में सोचते भी नहीं हैं जानने की कोशिश भी नहीं करते क्योंकि वहाँ से भी ऐसा कोई जबर नहीं होता हाँ अल्लाह ताला ने हिदायत के इसबाब तो पैदा कर दिए हैं और हक़ हम तक पहुँच गया है कुरान मौजूद है रसूल का तरीक़ा मौजूद है अब इसके बावजूद अगर हम अल्लाह से रजू ना करें और अल्लाह के नबी से वो नूर हासिल करने की कोशिश ना करें जो अल्लाह ताला की तरफ से वो हमारे लिए लाए हैं पज्जाकमिन नूर उम किताब किताब मुबीन तुम्हारे पास अल्लाह ताला की तरफ से वो नूर और किताब वाज़ आ गई है अगर हम वो हासिल करने की कोशिश ना करें तो फिर अल्लाह ताला ने तो हमें बाख्तियार पैदा फरमाया है लेकिन इस इख्तियार का नाजायज़ फ़ायदा उठ अगर कोई उठाता है तो इसका नुकसान ख़ुद उसके होगा मिसाल के तौर पर आपका घर नहीं है आपके पास पैसे हैं घर नहीं है मिसाल मैं आपको एक दे रहा हूँ पचास लाख रुपए का एक घर बिक रहा है आप पचास लाख जो है वो यानी आप सड़क के किनारे सो, सोते हैं मिसाल के तौर पे, तो और आपको घर चाहिए आपके बीवी बच्चे सड़क के किनारे कहीं पार्क में कभी पार्क में सोते हैं कभी कहाँ कभी फुटपाथ पे तो बारिश आती है तो कहीं कोने खुदरों में आप छुपने की कोशिश करते हैं पचास लाख रुपए का घर है आपके पास एक करोड़ रुपए मिसाल के तौर तो पे और आप जो है वो एक करोड़ से एक घर बिक रहा है आपको मालूम है लेकिन आप उसे ख़रीदने के लिए तैयार नहीं है कि मेरे पैसे खर्च हो जाएंगे पैसे को आप अल्लाह तल्लु में खर्च कर देते हैं वो एक करोड़ रुपए आप ज़ाया कर देते हैं और फिर हाथ पे हाथ बैठ बैठ के हाथ पे हाथ रख के आप बैठ जाते हैं फिर वही सड़कें होती हैं फुटपाथ होते हैं और कभी बारिश आती है कभी क्या आता है तो आपका कोई ठिकाना नहीं होता इसी तरह अल्लाह ताला ने देखें हमें एक तो पैसे दिए हैं यानी वो चीज़ दी है जिससे हम आखिरत में जन्नत का सौदा कर सकते हैं और वो क्या है वो हमारा इख्तियार है वो हमारी यानी ज़िंदगी गुजारने का इख्तियार है तो फिर अल्लाह ताला ने फरमाया भी है कि तुम ये इख्तियार मुझ पे बेच दो इसके बस जन्नत तुम्हारी हो जाएगी लेकिन हम वो आ, किसी भी वजह से वो सौदा करने के लिए तैयार नहीं है आम तौर पे ये बात मैं यहाँ पे नोट करा दूँ आपको कि हम लोग यानी जिस तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं उससे ये मालूम होता है कि हम दोजख की आग के ख़रीदार हैं और अपने आमाल के ज़रिए हम दोजख खरीदने में दोजख में अपने लिए ईंधन जो है वो जमा कर रहे हैं आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को देख ये नहीं दोज़ख़ क्या है अल्लाह की अल्लाह की रज़ा को अगर आप नज़रअंदाज कर देंगे और उसको नाराज़ करते हुए ज़िंदगी गुजारेंगे तो आपका ठिकाना दोज़ख़ है ये बात नोट कर लें आमतौर पर हम घर में बैठी हुई जो बेगम साहिबा हैं या जो शौहर साहब हैं ये दोनों जो हैं अल्लाह को अल्लाह की मर्ज़ी को तो नजर नहीं रखते आपस में ताल्लुक गुजारते हुए तो बहरहाल या तो आपने दो जख्म में देखें दो एक सौदे की तो कीमत है और दूसरा बिला कीमत है जन्नत की तो कीमत है और वो क्या है वो आपका आपको वापस करना होगा और उसको इस्तेमाल नहीं करना होगा अगर आप वो अल्लाह पे बेचते नहीं हैं तो बस फिर आपके लिए दूसरा सौदा तैयार है यह बात जरा नोट कर ले जन्नत की कीमत है और दोजख की दोजख मुफ्त है बस अपने आप को यानी जिंदगी ख्वाहिशात नफ्स के तहत गुजार दें तो दोजख में आपका ठिकाना पक्का है यह बात मैं बिल्कुल वाजह तौर पर कह रहा और जिसने व अम्मा खाफा मकाम रबी ही व नफ्स अनिल हवा। और जिसने जो अपने रब के सामने खड़े होने से डरा और अपने नफ्स को ख्वाहिश यानी ख्वाहिश से बचा लिया व नहन नफ्स आनिल हवा अपने आप को ख्वाहिशात नफ्स के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने से बचा लिया विलजन्नत ही इसका ठिकाना जो है वो जन्नत है बाहर हाल ये सारी चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए मैं तो देखें एक तो मैं आपसे कहता रहता हूँ कि कुरान को रिवायती तौर पे आप ना पढ़ें रवायती तौर पे हम तो पढ़ते रहते हैं रिवायती तौर पे उस दिन मैं नमाज़ के लिए गया और वहाँ एक साहब थे अगली सफ़ों में दो साहब थे बल्कि वो नमाज आयशा का वक्त था और वो कुरान साथी रखे हुए थे कुरान उठा के वो पढ़ रहे थे इसी तरह हम सब पढ़ते रहते हैं कुरान को नसीहत के लिए हम नहीं पढ़ते कुरान की को सिर्फ़ तिलावत करने के लिए हम पढ़ते हैं नसीहत के लिए तो फिर आपको समझना होगा उसके मजामीन पर और फिर किसी उस्ताद से रहनुमाई हासिल करना होगी उनको समझने के लिए तो बहरहाल ये तालीम तुम हमारा यानी हम इसकी ज़रूरत महसूस नहीं करते आ, तो खैर मतलब इसका तो फिर आपको जल्द पता लग जाएगा कि क्या होगा अगली सूरत में इंशाल्लाह वो बयान होगा लेकिन हम जो सबक पढ़ रहे हैं फकरमा अंत मुजर मुजक्र लस्त आल हिम्ब आप इनके इन पर जब्र करने वाले नहीं हैं दरे फैज़ मोहम्मद वाह है बस जिसका जी चाहे मुकद्दर अपना अपना आज़मा ले अब इसके बाद जो आयात हैं व वकफ़र जिसने इनकार किया और मुँह मोड़ लिया तवल मुँह मोड़ लिया वकफ़र और इनकार किया तो उसको अल्लाह ताला बड़ा आज़ाब देगा ये ऐसी आयात इस कबील की जब आयात आ जाती हैं तो हम समझते हैं कि नहीं हमने तो ना मुँह मोड़ा है ना इनकार किया है और ये तो हम तो काफिर नहीं हैं माजल्ला हम ये नहीं ये हम कहते हैं यानी सौ फ़ीसद मेरा अपना ये यकीन है कि जब कुफर का, काफिर का लफ्ज़ आता है तो फिर हम इसका एक रिवायती मतलब ले लेते हैं कि ये काफिर तो वो हैं जो पाकिस्तान में बहुत कम हैं और पचानवे फ़ीसद तो यहाँ मुसलमान रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह काफिर तो कोई नहीं और काफिर अगर होंगे भी तो वो इंडिया में होंगे ऐसी बात नहीं है सामने निकाल देखिए इस मुगालते में न पड़े असल जो चीज़ है आ वो आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत को कबूल कर लिया है देखिए नसीहत मैं कुरान के और इस वक्त जो मजमून बयान हो रहा है कुरान का उसके मुताबिक आपसे बात कर रहा हूँ फज़क्न नम अंत मज़क्र आप नसीहत के अब नसीहत क्या है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत क्या है ए लोगो अपना रुख अल्लाह की तरफ़ फेल लो ए लोगो तुम्हारा मकसूद अल्लाह है ए लोगो तुम्हारा मकसूद दुनिया नहीं है तुम अल्लाह की तरफ रुख फेर लो अल्लाह तुम्हारा मकसूद है महबूब है मतलूब है और मैं उसकी तरफ से तुम्हें दावत देने वाला हूँ कि तुम अपना रखते सफ़र बांध लो अल्लाह की तरफ रुख फेर के अपनी ज़िंदगी अल्लाह के लिए गुजारो अल्लाह अपनी ज़िंदगी अल्लाह के लिए वक्फ़ कर दो और कह दो कि इन न व नसुकी व मह जाया व मामाती ला रबीआलमी तो अगर हम ऐसा करते हैं तो फिर तो बात सही हो जाती है सामने क्राम अगर ऐसा नहीं करते तो फिर बात ख़राब हो जाती है हम आम तौर पे, मैं आपको हकीकत कह रहा हूँ कि हमने मुंह मोड़ लिया है अपने रसूल की देखिए नसीहत है ना हमें नसीहत भी नहीं मालूम कि वो नसीहत है क्या बस ये मालूम है कि नसीहत है लेकिन ना तो हमने उस नसीहत को जानने की कोशिश करी है ना उसको कबूल करने के लिए तैयार है आज मैं आपको बता रहा हूँ कि अल्लाह की यानी अल्लाह को कोई अपनी जिंदगी यानी अपनी ज़िंदगी कोई अल्लाह के लिए ख़ास करने के लिए तैयार नहीं और अपना रुख अल्लाह की तरफ फेरने के लिए तैयार नहीं है दीन इस्लाम में मुकम्मल दाखिल दाखिल होने के लिए कोई तैयार नहीं न है आज मुकम्मल तौर पर न दीन में कोई दाखिल है न होने के लिए तैयार है आम तौर तो पे तो तमाम तकरीबन तमाम लोगों ने जो उम्मत मुसलिमा है इसने अपना मुंह मोड़ लिया है अल्लाह से अल्लाह के रसूल की दावत से इनकार है अमलन हमारा इनकार है कफ़र का मतलब देखें दो है। इनकार और ना शुक्री ये दोनों में हम मुब्तला हैं जिंदगी को हम ज़ाया करने पर तुले हुए हैं ज़िंदगी को कीमती नहीं बना रहे कीमती चीज़ को कीमती बनाया जाता है ये दुनिया एक बाजार है इसमें अल्लाह की मुलाकात का सौदा है और वो सौदा ख़ुद अल्लाह ताला ने ये तय किया है यानी ये तरीकेकार अल्लाह ने बनाया है और अल्लाह ताला ये सौदा पेश करता है हमें ये सौदा किमिन अनफ़मालम बेलन् अल्लाह ताला ने मोमिनों से खरीद दिए हैं उनके मालो जान इनको जन्नत दी है तो अगर अब यह है ना कि वो एक तो सौदा करने के लिए कोई तैयार नहीं है अपना इख्तियार अल्लाह के हवाले करने के लिए कोई तैयार नहीं है अमली तौर पर हमने अल्लाह के हुक्म से रुख फेर लिया है मैं आसान अल्फ में आपको बता रहा हूँ तवल वकफर जो मुंह मोड़ लिया किसने अल्लाह को मकसद हयात बनाने से अल्लाह को महबूब वाहिद बनाने से हमने मुंह मोड़ लिया है हम नहीं चाहते कि सिर्फ ज़िंदगी में सिर्फ़ हमारी अल्लाह हो हम ये नहीं चाहते हम तो कहते हैं यार मैं भी हूँ ये मेरी बीवी है ये मेरा शोर है, है ये मेरे बच्चे हैं ये मेरा कारोबार है ये मेरे पास इतने पैसे हैं एसेट्स हैं मेरे इससे तो मैं कैसे मोहब्बत छोड़ दूँ ये सारे मेरे पसंदीदा चीज़ें हैं तो ठीक है अब आपको पता चल जाएगा यानी आज तो आपको इख्तियार है अल्लाह ताला ने और मोहलत भी दी हुई है लेकिन कल जब आप जाएंगे अल्लाह ताला के पास तो फयो अजब आजाबल अकबर अल्लाह ताला इन्हें बड़ा अजाब देगा। आजाब देगा अजाब अकबर भारी सजा देगा इन न आल न ईया बह इनों कहा जाना कहा है मेरे पास ही तो वापस आएंगे मुझसे तो भाग नहीं सकते सुम् इन न अल निसाब हम फिर इनका हिसाब जो है वो मेरे जिम्मे है हिसाब हमसे कौन लेगा अल्लाह। और अल्लाह ताला तो इस वक्त भी ये नहीं उसने तो पूरा पूरा इंतज़ाम किया भाई इन नब्बल मरसाद, अगली जो आयत है उसमें यह आएगा इन शुर फजर में तो देखें बेवकूफ बनने की ज़रूरत नहीं है सादे अल्फ में मैं क्या अपने आप को बेवकूफ़ न समझें न बनाएं आपको अल्लाह ताली नेक़ल दी है अल्लाह ताला की निशानियों पर गौर करें अपनी तख्लीक़ के मकसद पर गौर करें और अल्लाह से जाने कि उसने आपको क्यों पैदा किया है फिर उसको अपना मकसद हयात बना के उसके लिए अपनी ज़िंदगी को वक्फ कर दें अलो जान यानी सब कुछ अल्लाह की राह में यानी अल्लाह की रज़ा के लिए ज़िंदगी अल्लाह की मर्ज़ी से गुजारे। मुख्तसर लफ्ज़ मैं आपको बता रहा हूँ ज़िंदगी अल्लाह की मर्ज़ी से गुजारे। देखिए अल्लाह ताला हमें दुनिया के हासिल करने या इसको बरतने इस्तेमाल करने से नहीं रोकता आप यानी जो आम मामूलात हैं आप ज़ाहरी रिस्क के लिए तालीम हासिल करें डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बन जाए जो कुछ भी आपको बनना है इंजीनियर बनना है डॉक्टर बनना है और जो भी बनना है उसके लिए उसके मुनासिब मुनासिबी तालीम करें और बस वो जॉब कर लें या कोई दस बारह जमातें पढ़ के अपने कारोबार शुरू कर दें जो भी आपको मुनासिब है शादी कर लें बच्चे पैदा करें घर बना लें अपने लिए और इससे तो अल्लाह ताली हमें नहीं रोकता रिश्तेदारों का ख़्याल रखें फिर जो भी जिस तरीके से भी करना है वो हिदायत हमारी दुनिया को दुनिया में ज़िंदगी गुजारने के मुताल आपको अल्लाह ताला की हिदायत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना होगी अगर आप अल्लाह को राज़ी करना चाहते हैं तो आपको अल्लाह के हुकम के सामने सर झुकाना होगा ये बात एक मख्तसर याद रखें ये देखें जन्नत का सौदा बड़ा आसान है जन्नत कमाना भी आसान है जन्नत के पैसे देने भी अल्लाह ताला से ये चाहता है सिर्फ़ हमसे कि तुम अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी ना गुज़ारो ख्वाह नफ़्स को अपने आप को ख़्वाहिशात नफ़्स के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने से रोक लो अब जाहिर है कि ख़्वाहिशा नफ़्स तो फिर अल्लाह ताला का यानी जो नफ्स है वो तो अल्लाह ताला का ख्याल नहीं रखता कि अल्लाह का हुक्म क्या है वो तो नफसानी ख्वाहिशात मुजोर होती हैं गुस्सा करो शहवात के चक्कर में पड़ जाओ अच्छे खाने खाओ अच्छे कपड़े पहनो और अच्छा रहना सिर्फ़ यानी यही मकसद बना लो कि अच्छा खाएं, अच्छा पिएं, अच्छा रहें बस और नहीं ऐसी बात नहीं है सामने का मैं आपको कह रहा हूँ बेवकूफ़ न बने बेवकूफ़ अगर आप बन गए तो बेवकूफ़ बनाने वाले आपको एक तो नफ्स नफ्स है शैतान है ये सारी वतें हैं जो आपके रास्ते कामयाबी के रास्ते में हायल होती हैं लेकिन इनको अपना दुश्मन समझे नफ्स और शैतान को अपना दुश्मन समझे और अल्लाह को अपनी मंजिल बना ले अल्लाह के हुम और रसूल के तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें और मुकामी तौर पर एक रहनुमा की रहनुमाई में इन श्ला आपके कदम चूमेगी अल्लाह ताली आपसे राज़ी हो जाएगा व आखिर तवाना आलहमदुल्ल रबालमीन अल्लाह ताली का यहाँ मैं शुक्र अदा करता हूँ कि उसने शुराशिया के मजामी को मुझे बयान करने और आपके सुनने की तोफ़ीता फरमाई और समझने की तोफ़ीकत फरमाई बहरहाल आगे हमारी मर्जी है अल्लाह ताली ने तो मतलब अपना ज़िम्मा हिदायत भेज के अल्लाह त अपना ज़िम्मा पूरा कर दिया है अब ज़बरदस्ती हिदायत पे लाना आप ना चाहें और आपको डंडे मार के लाएं कोई ऐसा नहीं होगा ये बात नोट कर लें आपको डंडे मार के जो है वो शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने पर वो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम नहीं चाहते तो मैं भी नहीं चाहता ये तो सारा शौक़ शौक़ की बात है तुम्हारा अगर शौक़ है तो मैं तुम्हें अपने रास्ते की रहनुमाई तुम्हें दूँगा

ये देखें मुखातिब तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है लेकिन मैं आपको बता दूं जो भी आपको हक़ की दावत पेश करता है तो उसकी हैसियत एक नसीहत करने वाले की सी होती है ये कभी न समझिएगा या तो रखिएगा कि वो आपके जाती ज़िंदगी में दखल ले और आप आपके न चाहने के बावजूद एक काम नए काम करने पर आपको मजबूर कर दे ऐसी बात नहीं होती है साम्य लस्त अलैहिम हिम आप इन पर जब्र करने वाले नहीं हैं कोई भी नहीं है अल्लाह नहीं है रसूल नहीं है रसूल के जो उम्मती हैं वो भी नहीं है इल्ला व कफर, अलबत्ता जिसने मुंह मोड़ लिया नसीहत से वा कफर और इनकार किया फैजल आजाब अल अकबर तो अल्लाह ताला उसे बड़ा अजाब देगा इन्ना इलैना याबहम इन लोगों का पलटना हमारी ही तरफ है सुम इन न अल हिसाब हम फिर इनका हिसाब लेना हमारे ही जिम्मे है अब इन आयत की तिलावत और तर्जुमा In the name of God, the Gracious, the Merciful. For the kid, inna ma. So remind, you are only a reminder. You have no control over them. But whoever turns away and disbelieves, God will punish him with the greatest punishment. To us is their return. Then upon us rests their reckoning. इसके साथ ही आज के दर्श का वक्त इख्तिताम को पहुंचा इन्शाअल्लाह, अगले दर्श में फिर मुलाकात होगी। व आखिर दाबाना अनिल अल्हम्दुलिल्लाहिर बिल आलमीन व सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाही व बरकात।